गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। टुडे वी विल समराइज दिस चैप्टर फॉर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एज यू नो, मैंने ये चैप्टर आपको डिटेल में अनदर टू वीडियोस में पढ़ा दिया है। आज हम बस इसकी एक समरी पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट थे। तो हम अक्सर अपने आस पास एक्सीडेंट्स को देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं। एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब हम कोई काम बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं या किसी काम को बहुत केयरलेस होकर करते हैं, तभी हमारे साथ एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी ये एक्सीडेंट बहुत सीरियस होते हैं और इनसे हमें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, जिससे हमारी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। एक्सीडेंट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कट, इलेक्ट्रिक शॉक, उसके बाद फेंट हो जाना, एनिमल बाइट एक्सेट्रा। और हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अब हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सके और उनसे उनको अवॉइड कर सके। आपने प्रीवियस क्लासेस में सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा है, जैसे हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए, कभी भी रोड पर ट्रैफिक हो अगर तो ट्रैफिक में क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, प्लेग्राउंड में हमें कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, किसी चीज से दूसरे प्लेयर्स को मारना नहीं चाहिए, और स्कूल में हमें बेंचेस पे डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए, कॉरिडोर में और स्टेयर पे दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा एक क्यू में चलना चाहिए, घर पे हमें शार्प चीजों को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमें हाथ कट सकता है, और उसके अलावा हमें अपने सामान को इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए, उन्हें उनकी प्लेस पर रखना चाहिए। कभी भी कोई भी मेडिसिन बिना किसी अडल्ट से पूछे नहीं खानी चाहिए, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सब सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इन सेफ्टी रूल्स के बावजूद कभी अगर बाय चांस हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस इंजर्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। अब इंजर्ड पर्सन की हेल्प करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें फर्स्ट एड की जरूरत होगी। सो व्हाट इज फर्स्ट एड स्टूडेंट? It is the immediate help to given to an injured person before the arrival of an adult or a doctor. First aid एक immediate help होती है जो हम injured person को देते हैं एक doctor के आने से पहले, ठीक है? First aid के main aims क्या होते हैं, यानी first aid हम किसी को क्यों देते हैं, क्या सोचकर हम first aid देते हैं? First point है to save life, यानी किसी की जान बचाने के लिए हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं। सेकेंड, टू प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड देने की वजह से जो इंजरी होती है वो कम जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, अगर उसका ब्लड लॉस कम होगा, उसकी इंजरी कम हो जाएगी, तो उसकी रिकवरी यानी वो चोट जल्दी ठीक भी होगी, इसीलिए प्रमोट करने के लिए रिकवरी को भी हम फर्स्ट एड देते हैं। देन लास्ट इज टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द विक्टिम। और विक्टिम की यानी जिस पर्सन को इंजरी हुई है उस पर्सन की कंडीशन को और बिगड़ने से बचाने के लिए भी हम उसे फर्स्ट एड देते हैं। और फर्स्ट एड के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? तो फर्स्ट एड के लिए हमें फर्स्ट एड किट की जरूरत होती है। फर्स्ट एड किट में कौन कौन से आइटम होने चाहिए? फर्स्ट एड किट में हमें बैंडेजेस की जरूरत होती है। अगर हमें चोट लग गई है, वुंड पे हमें बांधने के लिए बैंडेज चाहिए होता है, कॉटन चाहिए होता है वुंड को क्लीन करने के लिए और उस पर दवाई लगाने के लिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए होते हैं वुंड को क्लीन करने के लिए और हील करने के लिए, थर्मोमीटर होता है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, और एक पैर ऑफ सीजर होता है जिससे हम बैंडेजेस को काटते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम यूजफुल टिप्स टू डील विथ इमरजेंसीज और माइनर एक्सीडेंट्स। यानी अगर हमारे साथ कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाए तो उन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट सिचुएशन है कट एंड स्क्रैचेस। अगर हमें या किसी और पर्सन को कोई कट या स्क्रैच लग जाए
तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि उस वुंड में कहीं कोई ग्लास का पीस या स्टोन का टुकड़ा तो नहीं लगा हुआ है। अगर है तो हमें सबसे पहले उसे रिमूव करना चाहिए, उसके बाद वुंड या कट को पानी से धुलना चाहिए। पानी से धुलने के बाद अगर फिर भी ब्लीडिंग ना रुके तो हमें हल्के हाथ से उसे प्रेस करना चाहिए जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद उस वुंड को या कट को हमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर क्लीन करना चाहिए और उस पर फिर बैंडेज कर देनी चाहिए जिससे वो वुंड या कट कवर हो जाए और उस पे जर्म्स ग्रो ना कर सके। देन आवर नेक्स्ट सिचुएशन इज नोज ब्लीडिंग, यानी नाक से खून निकलना। अगर किसी पर्सन के नोज से ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहले हमें उसे एक प्लेस पर कंफर्टेबली बैठने के लिए बोलना चाहिए और उसके सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुका देना चाहिए जिससे कि उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। उस पर्सन को हमें बोलना चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए नाक से सांस लेने की जगह अपने मुंह से सांस ले और उसके नाक के आसपास हमें आइस को रुमाल में लपेट कर नाक के आसपास लगाना चाहिए जिससे थोड़ी सिकाई होगी उसकी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बर्न। अगर किसी को छोटा बर्न हो जाए, मतलब हल्का सा जल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिस पार्ट में बर्न हुआ है हमें उसे कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए। कोल्ड वाटर के नीचे रखने से जो बर्निंग सेंसेशन है यानी जो जलन होती है वो कम हो जाती है और पर्सन को पेन भी कम होता है। उसके बाद हमें उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए जिससे कि वहां पर कोई जर्म्स ग्रो ना कर सके और वो घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। हमें कभी भी बर्न पार्ट पर कॉटन नहीं टच करना चाहिए डायरेक्ट, और ना ही ब्लिस्टर यानी छाले पड़ जाने पर, फफोले पड़ जाने पर उन्हें फोड़ना चाहिए। हमें कभी भी बर्न पार्ट पर कोई ग्रीसी क्रीम नहीं लगानी चाहिए वरना वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा बर्न हो जाए, मतलब बॉडी का ज्यादा पार्ट बर्न हो जाए, तो हमें उसे सीधा डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें उसकी बॉडी से कपड़े को अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उस पर पानी डालना चाहिए। अगर कोई पर्सन जल रहा है तो हमें उसे जमीन पर रोल करने के लिए कहना चाहिए, उस पर ब्लैंकेट या कुछ और नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद सीधे हमें उसे मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश होना। जब कोई इंसान अचानक से डर जाता है या कोई बुरी खबर सुनता है, शॉक में चला जाता है, तब वो बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन में हमें उसके आसपास सबसे पहले भीड़ जमा होने से बचाना चाहिए। अगर उसके आसपास भीड़ जमा हो जाएगी तो वो प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं ले पाएगा और उसे सफोकेशन होगी, तो उसे होश में आने में टाइम लगेगा। उसके बाद हमें उसे कहीं पर हवा के नीचे लटा देना चाहिए जहां से अच्छे से हवा लग सके, और उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए जिससे कि वो होश में आ जाएगा। उसके बाद जब वो होश में आ जाए तो हमें उसे कुछ गर्म कॉफी या कोई गर्म सूप देना चाहिए पीने के लिए ताकि उसे अच्छा महसूस हो। उसके बाद है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? जब हमारे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहीं से गिर जाते हैं या किसी गाड़ी से हमारी टक्कर हो जाती है और हमारे किसी बॉडी की कोई बोन हमारी टूट जाती है, ठीक है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर क्या है? बोन्स का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही फ्रैक्चर होगा उस पार्ट में, बॉडी के उस पार्ट में काला निशान पड़ जाएगा, वहां पर तुरंत स्वेलिंग हो जाएगी और पर्सन को बहुत ज्यादा पेन होगा। वो बॉडी पार्ट मूव करने में एबल नहीं होगा, मतलब जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उस बॉडी के पार्ट को वो मूव नहीं कर पाएगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? फ्रैक्चर हो जाने पर पर्सन के जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उस बॉडी पार्ट पे हमें स्प्लिंट बांधना चाहिए जिससे कि वो बॉडी पार्ट ज्यादा मूव ना कर सके और ब्रोकन बोन को सपोर्ट मिल सके। स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जैसे हम जहां पर बोन टूटी है उस बोन के नीचे बांधते हैं ताकि बोन को सपोर्ट मिल सके। अगर
आप इमरजेंसी में किसी भी चीज़ को स्पंज की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, अम्ब्रेला या फिर कार्डबोर्ड का पीस या फिर पिलो, कोई भी उसे बांध सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर बोन टूटी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें उस पर्सन को जिसे फ्रैक्चर हुआ है तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि उसका डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट कर सके। फिर नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? कभी अचानक चलते हुए या दौड़ते हुए आपका पैर मुड़ जाता होगा और आपके पैर में बहुत दर्द होने लगता है, ठीक है, और हम तब क्या कहते हैं कि पैर में मोच आ गई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के पैर में स्प्रेन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहली बात उस पैर पे या उस बॉडी पार्ट पे प्रेशर नहीं देना चाहिए, ठीक है, हमें सपोर्ट लेकर चलना चाहिए। जैसे मतलब पैर में मेरे स्प्रेन आ गया है तो मैं उस पैर पे ज़्यादा भार देकर नहीं चलूंगी, मैं एक लकड़ी का सहारा लेकर या किसी का सहारा लेकर चलूंगी ताकि मेरे उस पैर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अफेक्टेड एरिया में, स्प्रेन हमें कहाँ पर होता है, हमारे फुट में, एंकल के पास होता है ना, तो हमें अफेक्टेड एरिया में आइस लगाना चाहिए या कोल्ड वाटर से सिकाई करनी चाहिए जिससे हमें पेन में आराम मिलता है। हमें कभी भी स्प्रेन में तुरंत गर्म पानी से फर्मेंटेशन नहीं देना चाहिए, यानी सिकाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा स्प्रेन के 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद हमें गर्म पानी में सॉल्ट डालकर तब सिकाई करनी चाहिए, हमें तब पेन से भी रिलीफ होगा और वो सही भी हो जाएगा। इसके बाद स्प्रेन जब तक ठीक नहीं हो जाता हमें उस बॉडी पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल बाइट। कभी कभी किसी को कोई जानवर काट लेता है जैसे डॉगी या मंकी, हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें तुरंत सबसे पहले जहाँ पर डॉगी ने या मंकी ने काटा है या किसी और एनिमल ने काटा है वहाँ पर सबसे पहले उस वुंड को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए पानी से, और उसके बाद हमें उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसके तुरंत बाद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि एनिमल्स के सलाइवा में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट। अगर हमें कभी कोई सांप दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हमें कोई सांप दिखाई दे तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, बिना ज़्यादा वहाँ से मूवमेंट किए धीरे धीरे पीछे हट जाना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई भी स्नेक तभी बाइट करता है जब उसे थ्रेटन होता है, यानी जब उसे खतरा महसूस होता है वो तभी काटेगा आपको, वरना वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाएगा। अगर बाई चांस तब भी स्नेक काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ काट लेती है और हमें दिखाई भी नहीं देता कि किस चीज़ ने काटा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्नेक बाइट ही है। स्नेक के जो दांत होते हैं उनके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो जब स्नेक काटता है तब जो घाव होगा या जो छेद बनेंगे वो भी 2.5 सेंटीमीटर के लगभग दूरी पर होंगे, ठीक है, और वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है और जहाँ पर काटा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है पर्सन को, तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्नेक बाइट हो सकता है। थोड़ी देर बाद पर्सन के मुंह से फ्रॉथनिंग यानी झाग निकलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है, इससे हमें पता चलता है कि उसे किसी स्नेक ने बाइट किया है। तब हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो सबसे पहले हमें जिस पार्ट में स्नेक ने काटा है उसके 4 इंच ऊपर एक कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि ब्लड हमारे ब्रेन तक ना पहुंच सके, हमारे हार्ट तक ना पहुंच सके, क्योंकि ब्लड से ही फिर जहर फैलने लगेगा हमारी बॉडी में। और उसके बाद उस पर्सन को स्टिल एक जगह पर बैठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हिलने से मना करना चाहिए और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। फिर इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं जो हमें बाइट करते हैं, मॉस्किटो, बीज, वैस एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड कुछ उड़ते हुए फ्लाइज भी होते हैं ना जो हमें कभी कभी काट लेते हैं, तो इन इंसेक्ट के बाइट से भी हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पेन होता है, ईचिंग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कभी कोई इंसेक्ट काट ले तो सबसे पहले हमें उसे
सोप से वॉश करना चाहिए, और अगर उसमें कोई स्टिंग यानी डंक अटका रह गया हो अगर इंसेक्ट का, तो उसको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद उस एरिया पे हमें कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा को मिलाकर, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा को मिक्स करके उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर इंसेक्ट ने बाइट किया है। इससे भी हमें पेन में रिलीफ होता है। फिर उस जगह पर जहाँ इंसेक्ट ने बाइट किया है हमें आइस लगाना चाहिए, उससे स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और पेन भी रिड्यूस होता है। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कभी भी ऐसे तारों के पास नहीं जाना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो और वो नीचे ज़मीन में गिरी हुई हो। ऐसे तारों को टच करने से हमें हाई वोल्टेज का करंट लग सकता है और हमारी जान भी जा सकती है, तो हमें कभी भी करंट के तारों के पास नहीं जाना चाहिए। और अगर बाय चांस किसी को करंट लग जाता है या शॉक लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उस सप्लाई को ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ से करंट आ रहा है। उसको बंद करने के बाद हमें पर्सन को वहाँ से हटाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। अगर आप उस सप्लाई को, करंट के सप्लाई को बंद नहीं कर सकते हैं, तो आपको तुरंत उस पर्सन को टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे और आप भी डेंजर में आ जाएं। इसलिए तुरंत हमें उस पर्सन को टच करके हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें किसी ऐसी चीज़ से उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें करंट पास ना होता हो, जैसे प्लास्टिक की रॉड या वुड की रॉड, उसमें करंट पास नहीं होता है, तो उससे हम पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं जिससे वो करंट के कांटेक्ट से हट जाए और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना बंद हो जाए। उसके तुरंत बाद हमें उस पर्सन को थोड़ी देर लेटने देना चाहिए, कुछ पानी पीने के लिए देना चाहिए, और उसके तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में हो सकता है बाहर से पर्सन ठीक दिख रहा हो, कोई ब्लीडिंग ना हो रही हो, कोई चोट ना लगी हो, बट इंटरनली यानी अंदर से हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं या ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए हमें तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत बार होता है कि कोई हमारे घर में गलती से, बच्चे या कोई बड़ा गलती से जहर खा लेता है, पॉइजन खा लेता है, कोई केमिकल ऐसा पी लेता है जो पॉइजनस होता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें सबसे पहले उस पर्सन को उल्टी करवाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके अंदर से पॉइजन निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हमें उसका माउथ वॉश करवाना चाहिए ताकि उसके मुंह में बिल्कुल भी पॉइजन बाकी ना रहे, और उसके बाद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।